नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं धे टीवी। अपने पहनावे पर एक्सपेरिमेंट करने वाली उर्फी जावेद के खिलाफ एक वकील ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन पर आरोप है कि वो पब्लिक प्लेस में अपने कपड़ों और कृत्यों से अश्लीलता फैला रही हैं। पिछले कुछ दिनों से उर्फी महाराष्ट्र बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ और महिला आयोग का ट्विटर पर विवाद भी लगातार जारी है। उर्फी जावेद के खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद से भारत में श्लील और अश्लील को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। कानून के जानकारों की राय इस मामले पर अलग अलग है। एक पक्ष का कहना है कि छोटे कपड़े पहनना संविधान में लिखी अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आएगा और छोटे कपड़े पहनना बॉलीवुड का ट्रेंड है, जिसके चलते ये अपराध नहीं माना जा सकता है। दूसरे पक्ष का मानना है कि कपड़े सभ्य समाज की निशानी है। अगर कपड़े इतने छोटे हों कि व्यक्ति के मनोभाव को विकृत कर दे तो ये अपराध माना जाएगा। आइए अब जानते हैं कि भारतीय कानून अश्लीलता पर क्या कहता है। भारत में अश्लीलता फैलाना अपराध है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 292, 293 और 294 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 अश्लीलता के अपराध की बात करती है। इन धाराओं के तहत अश्लीलता फैलाने वालों को सजा हो सकती है। IPC की धारा 292 में अश्लीलता की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार कोई छपी हुई, लिखी हुई या चित्रित की हुई सामग्री, किताब या वस्तु को तब अश्लील माना जाएगा जब वो पढ़ने वाले व्यक्ति के मन को कामुकता से भर दे या उसे प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भ्रष्ट और दुराचारी बनाए। ये धारा इसी तरह के किसी अश्लील पैम्पलेट, किताब, कागज, पेंटिंग और ऐसी अन्य सामग्री को बिक्री या प्रकाशन पर रोक भी लगाती है। इस धारा के तहत अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। धारा 293 की बात करें तो ये अश्लील वस्तुओं की बिक्री को 20 वर्षों से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बेचने के लिए प्रतिबंध लगाती है। धारा 294 पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकतें और गानों को बैन करती है। डिजिटल सामग्री के लिए IT अधिनियम की धारा 67 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने वालों को दंडित किया जा सकता है। इन सभी धाराओं में अश्लीलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ये व्यक्ति, समाज और कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो देश, काल और परिस्थितियों के आधार पर अश्लीलता का मतलब स्वयं निकाले। अगर कोर्ट के नजरिए की बात करें तो वो भी समय के साथ बदलता रहता है। साल 2014 तक हिकलिन टेस्ट के हिसाब से अश्लीलता परिभाषित होती थी। इसके अनुसार किसी कार्य, वस्तु या सामग्री के किसी हिस्से को तब अश्लील माना जा सकता है जब देखने और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर दे। वहीं साल 2014 के आविक सरकार के मुकदमे में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि कोई विशेष तस्वीर, कोई लेख या पुस्तकें अश्लील हैं या नहीं, इसका निर्णय करते समय समकालीन लोकाचारों और राष्ट्रीय मानकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी अति संवेदनशील या संवेदनशील व्यक्तियों के समूह के सेट मानक पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। इस मामले में ये भी कहा गया है कि किसी सामग्री को पूरी तरह से देखकर उसके द्वारा दिए जाने वाले संदेश को भी ध्यान में रखना चाहिए, न कि केवल एक भाग को देखकर अश्लील होने की घोषणा कर दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अश्लील की परिभाषा समय और समाज के साथ बदलती रहती है। अब उर्फी जावेद के मामले में कोर्ट का निर्णय देखा जाएगा कि वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अश्लीलता को किस तरह परिभाषित करेगा। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए धे टीवी।